मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पुलिसकर्मियों का सम्मान करने के लिए बालाघाट पहुंचे। उन्होंने पुलिस ग्राउंड में पुलिसकर्मियों का सम्मान किया है, साथ ही पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवानों के परिजनों को नौकरी देने के साथ ही 16 जवानों के पदोन्नति की घोषणा की है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जवानों का सम्मान कर गौरवान्वित महसूस हो रहा है। बालाघाट नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, क्षेत्र को 6 नई बटालियन देने जा रहे हैं। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश में नक्सल, भूमाफिया, ड्रग माफिया, सभी माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश शांति का टापू बन रहा है। तो गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने पुलिस ग्राउंड पहुंचकर पुलिसकर्मियों का सम्मान किया है और कहा कि जवानों का सम्मान करके गौरव महसूस कर रहा हूं। नक्सल क्षेत्र को 6 नई बटालियन भी देने जा रहे हैं गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। साथ ही कहा कि लगातार मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और मध्य प्रदेश शांति का टापू बन रहा है। और बटालियन यहां बालाघाट पर देने वाले हैं। बालाघाट और मंडला के अंदर आने वाले 1-2 महीने के अंदर केंद्र सरकार हमें 6 बटालियन दे रही है, जो कि पूरे के पूरे इस इलाके को, और आप देखेंगे बालाघाट से लेकर ग्वालियर चंबल तक अपना मध्य प्रदेश एक शांति का टापू बनेगा। और इस शांति के टापू के माध्यम से इस प्रदेश की अपनी एक साख होगी। नौजवान को नौकरी देने के बारे में अभी IG साहब, AD साहब बोल ही रहे थे कि LNT का एक नेटवर्क खड़ा हो रहा है। निश्चित रूप से रोजगार और शिक्षा, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता की यहाँ पर नितांत आवश्यकता है, और ये आवश्यकता की पूर्ति मध्य प्रदेश की सरकार जल्दी करेगी। हमारे जवानों ने वो काम किया है कि उन्हें सम्मानित करके मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं, और महकमे के लिए भी ये हर्ष की बात होती है। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम इतना करो कि सुनते ही काम हो जाए। हमने बीड़ा उठाया हुआ है ड्रग माफिया के खिलाफ, भू माफिया के खिलाफ। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार आप देख भी रहे होंगे, भू माफिया, ड्रग माफिया, जितने भी हैं, गुंडे हैं, अत्याचारी हैं, व्यभिचारी हैं, बलात्कारी हैं, इस प्रदेश के अंदर स्थान नहीं रहने देंगे। एक दौर था जब मध्य प्रदेश के चारों तरफ अशांति का वातावरण था,